हेलो गाइज, कैसे हैं अभी आप सभी? बढ़िया। चलो देखो, आज हम डील करेंगे कंपाउंड केमिस्ट्री के साथ। किसके साथ? कंपाउंड केमिस्ट्री के साथ। बेसिकली कंपाउंड केमिस्ट्री कोई ऐसा स्पेसिफिक वो नहीं है, कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके साथ आपको डील करना है, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके यूजेज, उनकी प्रिपरेशन जिस आपको पढ़नी है। आपके सिलेबस के अंदर जो सोडियम और कैल्शियम है उनके कंपाउंड्स हैं जिनके साथ आपको डील करना है। आज जो डिस्कस करेंगे हम, आज डिस्कस करेंगे सोडियम क्लोराइड के साथ, NaCl, सॉरी NaCl। NaCl इसको हम रॉक सोल्ट भी बोलते हैं, इसको हम कॉमन सोल्ट भी बोलते हैं, और इसको टेबल सोल्ट भी बोला जाता है, इसको टेबल सोल्ट भी बोला जाता है। सबसे पहले बात आती है इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, NaCl को प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो प्रिपेयर करने के लिए सबसे बड़ा जो आपके पास सोर्स है वो क्या है? सी वाटर। सबसे बड़ा सोर्स क्या है आपका? सी वाटर। सी वाटर, सेलाइन वाटर। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आपका 2.7 to 2.9% बाई मास आपका क्या प्रेजेंट रहेगा? NaCl प्रेजेंट रहता है। उस सी वाटर से हम क्या करते हैं, जनरली हमने को हम कंटेनर के अंदर, बड़े कंटेनर के अंदर सी वाटर लेंगे, इसको हीट करेंगे, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, और हम क्या यहाँ से क्या करेंगे, NaCl का एक्सट्रैक्शन करेंगे। बेसिकली NaCl को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। अभी बात करते हैं, ये जो आपका NaCl है इसको लिए, इसके एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन जो है आपके NaCl का, ऑफ NaCl सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। जनरली जो NaCl हम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो प्रिपेयर कर, एक्सट्रैक्ट नहीं, प्रिपेयर करते हैं, वो कहाँ से करते हैं? फ्रॉम ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन, एक चीज आपको याद रखनी है, ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर जो कंसंट्रेशन रहती है NaCl की वो हाई रहती है। क्या रहती है? हाई रहती है, क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रोलाइसिस जब आप करोगे NaCl का, अगर वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो वहाँ पे आपको NaCl की प्रिपरेशन बहुत कम अमाउंट में मिलती है, बिकॉज वहाँ पे जो है दूसरी रिएक्शन प्रोसीड करती है, हम वो आगे देखें। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? ब्राइन सॉल्यूशन। देखो क्रूड NaCl क्या होता है? क्रूड NaCl, या क्रूड NaCl हम बोलते हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगी आपकी? इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहेंगी। कौन सी इम्प्योरिटीज? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड आपकी सोडियम सल्फेट। अगर ये इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो हम क्या बोलते हैं उसको? क्रूड NaCl। जो आपका प्योर NaCl हम प्रिपेयर करते हैं वो हम प्रिपेयर करते हैं किससे? क्रूड NaCl से। क्रूड NaCl का क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट आपने 9th क्लास में सीखा था। क्रूड NaCl का क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आपका? प्योर NaCl। अभी देखो ये जो आपका क्रूड NaCl होता है ये क्या करता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो मॉइस्चर जो एब्जॉर्ब करते हैं वो दो टाइप, उनको हम दो क्लासेस में, जो मटेरियल मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे कहाँ से? फ्रॉम एयर और एटमोसफेयर, उनको हम दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं। एक को बोलते हैं डिलिक्विस्केंट, एक दूसरे हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक, दूसरे को बोलते हैं क्या? हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक कौन से होंगे? वो मटेरियल्स, मटेरियल्स विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, मॉइस्चर फ्रॉम एयर टू ए स्मॉल एक्सटेंट, स्मॉल वो इतने मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब करते हैं बट वो इतने हाई एक्सटेंट तक नहीं करते हैं कि वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाए। डिलिक्विसेंट वो मटेरियल होंगे जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब मॉइस्चर टू ए लार्ज एक्सटेंट, टू ए लार्ज एक्सटेंट। तो
लार्ज एक्सटेंट पे अगर आपका क्या करेंगे, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो मटेरियल क्या करेगा, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा और उसके अंदर फ्लो फ्लूडिटी की टेंडेंसी आ जाएगी। कौन सी टेंडेंसी आ जाएगी, फ्लूडिटी वाली प्रॉपर्टी उसके पास आ जाएगी। सॉरी, अगर आपका मटेरियल मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है लार्ज एक्सटेंट में, आपका जो सोल्ट है, जो मटेरियल है, वो इतना ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे कि वो वाटर के अंदर डिजोल हो जाए और उसके पास टेंडेंसी आ जाए, टेंडेंसी टू फ्लो, वो फ्लो करने लग जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, डीलिक्विफिकेशन। एक जस्ट वो आपका एब्जॉर्ब करे एंड दैट्स इट, ऐसा नहीं कि वो उसमें डिजोल हो जाए। नॉर्मली इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, नॉर्मल हम बिस्किट लेके आते हैं या फिर जो कोई भी जनरली प्रोडक्ट ले, तो बिस्किट के अंदर होता क्या है। तो देखिए भी आपने जनरली हम देखते हैं बिस्किट्स हैं, बिस्किट के पैकेट को जब ओपन करके नॉर्मल रख देते हैं तो वो क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका जो क्रंचीपन होता है वो क्रंची नहीं रह पाता है, ठीक है। तो वो क्यों, बिकॉज वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, बट ऐसा नहीं है कि वो बिस्किट फ्लो ही करने लग जाते हैं। नॉर्मल आपने सोल्ट देखा है, घर में सोल्ट आता है, वो रेनी सीजन के अंदर क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और बिल्कुल वो वाटर इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है कि वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो वो क्या क्या हो गया, डीलिक्विफिकेंट, जो सिर्फ एब्जॉर्ब करे स्मॉल एक्सटेंट के लिए, वो आपका हाइग्रोस्कोपिक। तो प्योर NaCl जो आपका होगा, प्योर NaCl आपका है वो नाइदर हाइग्रोस्कोपिक नॉर डीलिक्विफिकेंट, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ही नहीं करता है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है फ्रॉम एयर। बट जो आप देखते हो कि हाँ, जो घर में होता है वो किस लिए एब्जॉर्ब करता है, बिकॉज उसके अंदर अगर इम्प्योरिटीज है, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, अगर ये इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है सोल्ट के अंदर, तो वो क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। बिकॉज ये जो आपके दो कंपाउंड है, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, ये कैसे हैं, ये आपके डीलिक्विफिकेंट हैं, ये कैसे हैं, डीलिक्विफिकेंट, इसलिए वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो माइंड में ये चीज़ याद रखना, अगर कोई बोले प्योर NaCl है क्या वो हाइग्रोस्कोपिक होगा या डीलिक्विफिकेंट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है MgCl2 CaCl2, देन वो आपका क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। देखो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के साथ डील करते हैं, प्रिपेयर तो करेंगे हम किससे, सी वाटर से, किससे करेंगे, सी वाटर से, जस्ट इवेपोरेट वाटर को इवेपोरेट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा। इसकी प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं, फर्स्ट के साथ डील करते हैं, हम क्या बोलते हैं, इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। किस कलर का होता है, आपने देखा है वाइट होता है, घर में यूज करते हैं हम, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन मीन्स जो आपके एटम्स होंगे वो किसके अंदर अरेंज होंगे, एटम्स या जनरली यहाँ तो आपके आयंस अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न, एक फिक्स रेगुलर पैटर्न के अंदर आपके एटम्स अरेंज रहेंगे। दूसरी हम बात करते हैं क्या, ये आपका नाइदर हाइग्रोस्कोपिक जो अभी आपने पढ़ा था, नॉर डीलिक्विफिकेंट। देखिए भी अगर आपको आपके पास NaCl है और उसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, NaCl है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है MgCl2 एंड CaCl2, और आपको उस सोल्ट के को क्या बनाना है कि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना करे, मॉइस्चर रेजिस्टेंस बनाना है, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का एडिशन करते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का एडिशन करते हैं। ये क्या करेगा, ये आपका अगर आप ये ऐड करते हो तो ये क्या करेगा, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने नहीं देगा, आपका ड्राई रखेगा आपके सोल्ट। अब लास्ट इसके यूजेज की बात करते हैं, कहाँ पर आपका यूज होगा। तो सबसे पहले तो डोमेस्टिक पर्पज में हम जनरली यूज करते हैं टेस्ट के लिए, फूड इंग्रेडिएंट्स की तरह में। सेकंड किस में यूज होगा, ये इन प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट
सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम परोक्साइड। और तीसरा जो आपका, ये आपका इम्पोर्टेंट सेकंड एंड थर्ड इम्पोर्टेंट है, आपको पता है आइस को रिमूव, टू रिमूव आइस फ्रॉम रोड्स, टू रिमूव आइस फ्रॉम रोड्स, तो कौन क्या यूज करेंगे हम, NaCl। तो ये आपकी प्रिपरेशन कुछ प्रॉपर्टीज है सिंपल सिंपल सी, और दो तीन इसके यूज हैं जो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे आके आपका NaCl खत्म होता है। अभी हम नेक्स्ट सॉल्ट के साथ डील करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा भी हम इसको बोलते हैं। प्रिपरेशन की बात करते हैं, प्रिपेयर करेंगे इसको, जो फर्स्ट प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं लाइम कास्टिक सोडा, लाइम कास्टिक सोडा प्रोसेस। इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर हम 10% सोडियम कार्बोनेट लेंगे और उसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, लाइम वाटर के साथ। किसके साथ ट्रीट करेंगे, लाइम वाटर के साथ। तो देखो भाई, Na2CO3, लाइम वाटर क्या होता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। बेसिकली क्या हुआ, ये यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट आपकी रिएक्शन हुई है, तो ये आपका बन गया क्या, कास्टिक सोडा। इस प्रोसेस को बोलेंगे लाइम कास्टिक सोडा प्रोसेस। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो सेकंड की हम बात करेंगे, सेकंड बात करेंगे किसके, बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस से करेंगे। तो ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस को, इसको हम बोलेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलेंगे, क्लोर एल्कली प्रोसेस। देखिए भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, हम कोई भी एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस, कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है उसको हम करवाते हैं बाईपासिंग इलेक्ट्रिक करंट। कैसे करवाएंगे, बाईपासिंग इलेक्ट्रिक करंट। एक केमिकल रिएक्शन है जो नेचर में आपकी नहीं होती है, पॉसिबल नहीं है, उसको हम प्रोसीड करवाएंगे बाईपासिंग इलेक्ट्रिक करंट, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करवाना है, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आपके क्या होगे भी, दो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, आपके दो इलेक्ट्रोड होंगे। तो देखिए भी, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, ये तो पहले ही ऑक्साइड आपका क्या है, इसका तो पहले से ही ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन है, वो ये क्या है -1, तो ये इसका तो ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, किसका होगा, Cl नेगेटिव का। Cl नेगेटिव क्या करेगा, Cl2 गैस प्रिपेयर करेगी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, कैथोड पे आपका क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा, Na पॉजिटिव, जो आपका एक्वस सॉल्यूशन में है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, Na सॉलिड। बट यहाँ पे आपका H2O भी प्रेजेंट है, एक्वस है, दैट मीन्स वाटर भी प्रेजेंट है, उसका भी रोल हम आगे अभी डील करेंगे। तो बेसिकली ये क्या हो गया, एक्वस सॉल्यूशन था, यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम सॉलिड, ये क्या आ गया, Cl2 गैस। ये जो सोडियम सॉलिड है, हमें पता है सोडियम की रिएक्शन आपने लैब में बहुत बार की होगी, सोडियम को वाटर में डालते हैं, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। जैसे ही सोडियम आपका सॉलिड बनेगा, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, NaOH, क्या बनाएगा आपका, NaOH, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, यहाँ से आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहाँ से क्या प्रिपेयर हो गया आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो दूसरी रिएक्शन आपका वाटर है, तो वाटर का भी आपका क्या हो सकता है,
ऑक्सीडेशन हो सकता है, वाटर का ऑक्सीडेशन हो सकता है। कैसे होगा ऑक्सीडेशन? देखो भाई, वाटर है, वाटर कैसे रहेगा, एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव, बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव। तो जो आपका ओ एच नेगेटिव है वो क्या कर सकता है, वो क्या देगा, ओ टू प्लस टू एच टू ओ प्लस फोर इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन भी आपकी प्रोसीड होगी, लेकिन हम जब कंसंट्रेशन हाई लेंगे, जब कंसंट्रेशन हाई लेंगे तो ये रिएक्शन प्रोसीड ना करके आपकी पहले वाली रिएक्शन ही क्या करेगी, प्रोसीड करेगी। तो ये कंडीशन है कि ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर जो आप ब्राइन सॉल्यूशन ले रहे हो, कंसंट्रेशन NaOH की बहुत हाई होती है। अगर आपसे पूछे क्या डाइल्यूट NaCl के सॉल्यूशन से बना सकते हैं NaOH, तो नहीं बना सकते, सिर्फ और सिर्फ किससे बना सकते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन से, बिकॉज उसके अंदर ही आपका ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का केस होता है, हायर क्लासेज में हम आपको सिखाएंगे ये चीज़ें। तो यहाँ पे जो आपको चीज़ माइंड में रखनी है वो बस जस्ट यही रखनी है कि ब्राइन सॉल्यूशन से आपका होगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के साथ डील करते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो सबसे पहले ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है आपका, बेसिक नेचर को शो करने के लिए इसकी रिएक्शन NaOH प्लस HCl क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2, सोल्ट प्लस वाटर। सेकंड, ये आपका डीलिक्विसेंट होता है नेचर में, डीलिक्विसेंट होता है नेचर में, दैट मीन्स क्या करेगा, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, एयर से आपकी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। थर्ड, ये आपका वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसा होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड जो वाटर के अंदर सोल्यूबल रहेगा, जो किसमें सोल्यूबल रहेगा, वाटर में सोल्यूबल रहेगा। फोर्थ, ये आपका गुड कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इसकी सिंपल सिंपल सी आपकी प्रॉपर्टीज थी। इसके यूजेज हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इस यूजेज आपको याद रखने हैं। फर्स्ट क्या, ये आपका आर्टिफिशियल सिल्क में काम आएगा, किसमें आएगा, आर्टिफिशियल सिल्क की मैन्युफैक्चरिंग में आपके काम आएगा। सेकंड हम बोलें तो ये आपका बॉक्साइट, जो हम मेटलर्जी पढ़ेंगे उसमें, मेटलर्जी जो हमारी चल रही है अभी, उसमें प्योरिफिकेशन आएगा, प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, एल्यूमिनियम की जो आपकी ओर है उसके प्योरिफिकेशन के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तीसरा, ये आपका एडजोरबेंट की तरह काम आता है, एडजोरबेंट फॉर CO2। एडजोरबेंट मीन्स अगर आपके सरफेस के ऊपर CO2 प्रेजेंट है तो उस CO2 को एडजोर्ब कर लेता है। कैसे, NaOH जो है वो CO2 के साथ रिएक्ट करके आपका क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो कैसे यूज होता है आपका, एज ए एडजोरबेंट भी यूज होता है। फोर्थ आपका, ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, फोर्थ हम बोलते हैं किस लिए का मत है, मर्सराइजिंग कॉटन फैब्रिक्स। मर्सराइजिंग का मतलब है जो आपके कॉटन होता है उसको मर्सराइज, दैट मीन्स उसको जो आपके थ्रेड के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं मर्सराइजिंग। तो उसके अंदर भी कौन काम आता है आपका, NaOH काम आता है। ये यूजेज आपको याद रखने हैं। दो कंपाउंड आज आपके हो गए हैं, सभी के प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज और यूजेज आपको याद रखने हैं। थैंक यू।